आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई नेशनल के कढ़ाई गोश्त रेसिपी मिक्स के साथ। मसाला हम यूज़ करेंगे नेशनल का ही, लेकिन रेसिपी वो नहीं होगी जो इसके पीछे लिखी होती है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स का भी थोड़ा हम फर्क करेंगे और साथ इसकी जो कुकिंग प्रोसीजर है, जो रेसिपी का बनाने का तरीका है, पकाने का तरीका, उसको भी हम थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाएंगे। इसकी वजह यह है कि इसको मैंने लाइक जब ये कढ़ाई बनती है तो हमें लगता है घर वालों को कि थोड़ी सी ड्राई है, इसमें ग्रेवी कम है। तो मैंने कुछ एक दो एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हो गया और ये उसके बाद से मैं जो कढ़ाई गोश्त है नेशनल का, वो मैं उसी रेसिपी से बनाती हूँ। तो ये पैकेट एक हमारे पास, ये 1 किलो का है, लेकिन हमने लिया है 1/2 kg चिकन। सो इसके हिसाब से हम जो इसका जो बॉक्स है, उसका जो पैकेट जो है वो 1 kg का है, तो ये जो पैकेट है हम इसको 1/2 यूज़ करेंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि एक किसी भी पैन में या फ्राइंग पैन, कोई भी बर्तन आप ले लें और उसमें तकरीबन 1/4 कप आप या आधा कप ऑयल डाल दें, ऑयल यूज़ हो जाएगा। तो 1/4 वैसे ठीक रहता है आधा किलो के लिए, अगर आप फुल 1 kg के बना रहे हैं पूरे पैकेट का तो फिर आप आधा कप उसमें कुकिंग ऑयल डाल लें। तो इसमें मैंने 1/4 डाला है। जब ये ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें जो ये चिकन 1/2 kg हमने रखा है ये हम इसमें डालेंगे, और इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ इस चिकन को डाल के हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा जी, ये मीडियम से स्लो हीट पर जब तक ये चिकन फ्राई होगा हम इसको ऊपर नीचे करते रहेंगे, ताकि इस पूरे चिकन पे हल्का सा, बिल्कुल इसको पूरा हमने नहीं गलाना है, बस इसको 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है कि इसका हल्का सा गोल्डन सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए, बस इतना फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट मीडियम हीट पर अगर हम इसको ऊपर नीचे करके घुमाते हुए फ्राई करेंगे तो ये बेस्ट हो जाएगा। अब हमें ये करना है कि एक कढ़ाई लेनी है, इसको आप फ्राई होने दें, दूसरे चूल्हे पर एक कढ़ाई रखिए। अब जनाब, इस कढ़ाई में मैंने डाला है तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, इसमें हम ऑयल बाद में और ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अब 2 दरमियानी साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके काटी है, इसको आप चाहें तो बारीक स्लाइस भी कर लें, इस तरह से हमने इसको काटा है। और ये 2 दरमियाने साइज़ की हैं, काफ़ी बड़ी प्याज है तो आप एक ही ले आधा किलो के लिए। अब इस प्याज को हम इसमें डाल देंगे, प्याज को ब्राउन नहीं करना है, इसको सिर्फ हल्का सा मीडियम ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। और आज आपने कढ़ाई के नीचे धीमी रखनी है, या तकरीबन लाइट मीडियम स्लो मीडियम हीट रखनी है। तो तकरीबन इसको भी 5 से 7 मिनट तक आपने फ्राई करना है, और फिर मैं उसके बाद बताती हूँ कि इसके बाद हम क्या करेंगे। दूसरी साइड पर फ्राइंग पैन में चिकन भी हमारा ऑयल में फ्राई हो रहा है, हमने उसमें कुछ भी नहीं डाला, और कढ़ाई में हमने ऑयल डाल के सिर्फ प्याज डाली है, और इसको भी हम अभी 5 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। दूसरे चूल्हे पर चिकन अभी भी हल्की आंच पे फ्राई हो रहा है, बिल्कुल चैलो फ्राई है, थोड़ा सा उसमें ऑयल है, उसको डीप फ्राई नहीं करना है, यकीन रिपीट को डीप फ्राई नहीं करना है। अब इस प्याज को हम अजीब और नहीं फ्राई करेंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे 3-4 से 5 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया है, अगर आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं, तो उसको पता नहीं पड़ेगा कोई खास टेस्ट में, तो आप अगर चाहें तो पिसा हुआ लहसुन ले लें। वैसे मैंने ये भी लहसुन को ऐसे चॉप करके इसमें शामिल किया है, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ये 2 टमाटर, जो बड़े साइज़ के टमाटर थे, अगर मीडियम साइज़ के हैं तो इसमें फिर आप 3 टमाटर दे सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर, आपने आँच इसकी जो है वो मीडियम से स्लो रखनी है, तेज़ नहीं करनी है, क्योंकि अभी हमने फिर पानी या कुछ ऐसा नहीं डाला, तो इसलिए इसको ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं फ्राई करना है। अच्छा, अब ये हमने इसमें डाला प्याज, प्याज को फ्राई करके हमने इसमें लहसुन डाला, इसमें हमने 2 टमाटर डाले हैं चॉप किए हुए हैं ये भी। अब हम इसमें शामिल करेंगे नेशनल के अचार गोश्त मसाले का 1/2 पैकेट, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं 1/2 kg चिकन का बना रही हूँ, तो इसमें तकरीबन 1/2 पैकेट में डाल देंगे, वरना अगर आप फुल बनाए तो इसको आप पूरा पैकेट यूज़ करें।
अब इसमें आपने थोड़ा सा बिल्कुल तकरीबन 1/4 कप पानी डालना है और स्लो हीट पर इसको ढक के हम पकाएंगे। पानी तकरीबन ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 कप हमने डाला है। और अब टमाटर को गलने तक हम इसे पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और जो चिकन फ्राई करने हमें अलग फ्राई पैन में रखा था उसको हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद बंद कर दिया था। और अब हम इसको देखेंगे कि इसकी क्या शक्ल है। ये देखिए, इसमें से टमाटर का भी पानी निकला है और इस पर ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, इसमें क्योंकि हमने स्टार्ट में ऑयल कम डाला था तो अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल में इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/4 कप। इसमें मैं कुकिंग ऑयल और डालूंगी, इसको आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही ऑयल डालें। अगर आपको ऑयल कम पसंद है तो अपने आप अपने हिसाब से इसको कम कर सकते हैं। इसको हम करेंगे मिक्स। पानी देखें, इसमें तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये चिकन जो हमने फ्राई किया था, फुल फ्राई हमने इसको नहीं किया है। इसमें जो ऑयल है वो भी हम इसमें डाल देंगे। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक और चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है और वो है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को जूलियन कटिंग में यानी लंबाई में काट के मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं। हरी मिर्चों के बीज ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होते, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो आप भी कोशिश करें कि इनको इस तरह से काटें कि इसके बीज इसमें से निकल जाएँ। बस अब हमने इसमें ये डाल दिया है और इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे हल्की आँच पर और उसके बाद हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी और हम इसको फिर गार्निश करके प्रेजेंट करेंगे। 10 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं, अब हम इसको खोलेंगे। ये देखें, 10 मिनट बाद इसकी ये लुक है। अब एक चीज़ और जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो है चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो वो हम तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर हरा धनिया इसमें डालेंगे। और इसके बाद इसको मिक्स करके हम मज़ीद 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। वापस ढक्कन ढक देंगे और 5 मिनट बाद ये रेडी हो जाएगी और इसको फिर हम गार्निश करके आपको दिखाते हैं कि कैसी लगती है।